हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। हेलो, ये देखिए गुड्डू नहाने के लिए चली गई है। मॉर्निंग टाइम है और सुबह के बजे हैं 9:30। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पोछा लगाया था क्योंकि आज बच्चों ने जो है ज़्यादा गंदा कर दिया था बाहर वाली साइड में। गुड्डू जैसे ही कुछ बनाती रहती है तो यहाँ पर कलर्स गिरे हुए थे उसके, तो इस फर्श पर जो है अच्छे नहीं लगता है कुछ भी पड़ा हुआ। तो सबसे पहले मैंने सोचा, झाड़ू लगाई प्रीति ने और मैंने सोचा कि पोछा ही लगा लेते हैं। और धूप तो पूरे घर में इतनी ज़्यादा आ जाती है और देखिए दाग धब्बे आपको दिख भी रहे होंगे, तो सोचा बाद में और काम करेंगे, पहले पोछा ही लगाते हैं। और कमरों में मैं लगा चुकी हूँ, चारों कमरों में। अभी बस बाहर की साइड ही रह गया था। और फिनाइल से भी मतलब मक्खियों का कुछ भी नहीं हो रहा है। मच्छर शाम के टाइम आते हैं बाहर से और मक्खी जो है सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आती है घर में। कितने भी इंतज़ाम करें लेकिन फिर भी ये कम नहीं हो रही है। इतना ज़्यादा फिनाइल डालकर मैं पोछा लगाती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है। तो इधर मैंने घी रख दिया था गर्म होने के लिए चूल्हे पर, और पोछा हम लगा चुके हैं। अभी हम यहाँ पर घी गरम कर रहे हैं। घी यानी कि मक्खन, जो मक्खन से देसी घी बनाया जाता है वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और अब पीस रही हूँ मैं लाल मिर्च, इनका बनाऊँगी पाउडर। थोड़ी सी लाल मिर्च रह गई थी तो सोचा इनका पाउडर भी बना लेते हैं क्योंकि मौसम का कुछ अता पता नहीं रहता और ये वैसे भी थोड़ी सी बारिश होने से बहुत ज़्यादा नरमाई में आ जाती है और फिर ये ज़्यादा ही मोटी मोटी पिसती है। और मुझे करना है इनका पाउडर। और मिर्च जो है उससे मतलब मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसलिए ही मैंने एक दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर कर रखा है। तो यहाँ पर है थोड़ा सा धनिया और सौंफ भी, तो इसे भी मैं पीस कर रख लूँगी, इसका भी पाउडर बनाऊँगी क्योंकि धनिया सौंफ जो है आए दिन हमारे काम आता है खाने में। तो मैं पहले ही थोड़ा थोड़ा सा पीस कर रख लेती हूँ, सारा तो एकदम नहीं पीसती हूँ क्योंकि फिर इसकी खुशबू अच्छी नहीं रहती है। थोड़ा थोड़ा पीसती रहती हूँ सूखा सूखा कर, जितना यूज होता रहता है। और लाल मिर्च पीसने के बाद में ही मैंने धनिया डाला था उसमें। हेलो, तो शाम के बजे हैं 5 और मैं बनाऊंगी इन केलों का जूस। ये देखिए बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे हैं क्योंकि एक दिन के केले ही काले काले से हो जाते हैं जगह जगह से, और ये एक बार में रखी थी मैंने करके तो बच पाए थोड़े से, फ्रिज में एक बार में करके रखी थी, देख के बच गए हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी जूस। और बच्चे कह रहे थे कि मम्मी जूस बनाओ। तो सारे केलों के जो हैं छिलक उतार कर थोड़ा छोटे छोटे ही टुकड़ों में करके मैं इसमें ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और ये केले हैं 5 केलों का मैं जूस बनाऊँगी क्योंकि चिंकी नहीं पीती है, गुड्डू पीती है और आरुष और आरुषी भी नहीं पीती है। इसमें थोड़ा सा डाला है मैंने दूध और चीनी, और गुड्डू खड़ी है पास में ही आरुष को लेकर। तो बस जूस मैं बनाकर सबको दे दूंगी, जिसे जिसे पीना है बच्चों को। पिताजी पी लेते हैं और चिंकी नहीं पीती है क्योंकि चिंकी
का पता नहीं अपना ही कुछ अलग होता है। वो ऐसे खा लेती है केला, लेकिन उसका जूस नहीं पीती है, ना ही बेल का जूस। मैं कई बार बना चुकी हूँ पपीते का जूस भी, लेकिन वो नहीं पीती है। गुड्डू पी लेती है और आरू से भी। इसमें है ड्राई फ्रूट और अभी मैं चम्मच से इसके ऊपर डालूंगी और बच्चों को देकर आऊंगी। देखिए जूस मैंने बना दिया है और गिलास में, कप में, गिलासी में कर दिया है। अभी मैं बच्चों को देकर आऊंगी अंदर कमरे में। तो यहाँ पर माँ कर रही थी दाल को साफ, यानी कि दाल का छिलक उतार रही थी। और हमारे यहाँ पर दाल छड़ना बोलते हैं इसे। पहले ओखलियाँ होती थी, लेकिन अभी के टाइम में ओखली नहीं है, तो इस तरीके से ही काम चलाना पड़ेगा। और इसका छिलक जो है इस तरीके से पूरा उतर जाएगा। अब इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले इसे हमें भिगोकर रखना पड़ता था छिलक उतारने के लिए। तो ये थोड़ी पनियाली सी हो जाती थी, तो मैंने कहा माँ को इसका छिलक उतार दो, छड़ के रख देंगे इसे, तो फिर इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही इसे धोकर बना लिया करेंगे जैसे दूसरी दालें बनाते हैं, और सारा छिलक इसका उतर जाएगा इस तरीके से चोट मारने से। और ये टूटेगी नहीं क्योंकि धूप में सुखाई हुई है, हमें सिर्फ इसका छिलक ही उतारना है। और फिर इसे छाल से पिछोड़ देंगी। तो छिलक अलग हो जाएगा और दाल अलग हो जाएगी एकदम। और जो बचा कुचा छिलक रहता है इतना मितना तो दाल में चल भी जाता है, क्योंकि थोड़ा वो छिलक तो होना भी चाहिए दाल में। और यहाँ पर ये दोनों आ गए थे माँ के पास, इन्होंने माँ को कर दिया है परेशान। ये देखिए कितना छिलक उतर गया और दाल अलग हो गई है। और ये दोनों मुट्ठी भर भर कर दाल फेंक रहे थे, क्योंकि बच्चे हैं, इन्हें तो पता नहीं है। हम लोग रोक भी रहे थे और मैं दो बार इन्हें पकड़ के भी लेके आई, लेकिन ये मान रहे थे, क्योंकि जिस दिन माँ अनाज साफ करती है और ऐसी इस तरीके के काम करती है, तो ये दोनों वहाँ से हटते नहीं हैं बिल्कुल भी। ये देखिए किस तरीके से मुट्ठी भरेगा और फिर बाल्टी में डाल देगा ये। और ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो गई है, और जो बारीक बारीक सा इसका चूरा होता है टूटा हुआ, वो भी सब निकल चुका है। आप देख ही रहे होंगे छिलक में कि ये सारा निकल चुका है और दाल एकदम साफ़ हो चुकी है। और उड़द की दाल जो है ज़्यादातर हम लोग चने की दाल में मिक्स करके ही बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। तो इस बाल्टी में हम करके इसे ऊपर ही रख आएंगे, ऊपर वाले कमरे के स्टोर में, जहाँ पर हम अपना खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, पता नहीं कितने जिद करने लगा है। और ऐसी ऐसी चीज़ों में जानबूझकर घुसता है। देखिए मस्ती आ गई, ये कह रहा है मस्ती आ गई हमारी। तो और थोड़ी थोड़ी ही करके माँ इसे इस तरीके से पिछोड़ देगी। और ये भी यहीं पर है, ये देखिए यहीं पर घूम रही है चारों तरफ। आरुष और आरुषि माँ को इन दोनों ने परेशान कर दिया, और माँ कह रही है जाओ अंदर चले जाओ। और देखिए शाम का टाइम था, फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे छत पर घूमने के लिए, और इन सब की चल रही है मस्ती। और प्रीति बना रही है खाना। कई बार आप लोग बोलते हो कि प्रीति खाना क्यों नहीं बनाती है। जी नहीं, प्रीति खाना बनाती है, वो नीचे बैठी है तो खाना बना रही है। शाम के टाइम खाना प्रीति बनाती है और सुबह के टाइम मैं बना देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम काम ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सुबह के टाइम मैं ही बनाती हूँ। और कुछ मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसलिए खाना मैं ही बनाती हूँ। और पशुओं के काम सारे निपट चुके हैं। और फिर देखिए चिंकी कैसे निकल रही थी, ये देखिए ये लोग रात के टाइम यहाँ पर कर रहे हैं मस्ती। आरुष आरुषी, हेलो दोस्तों, बोलो जल्दी से। हेलो दोस्तों, कैसे आप?
मतलब इसने पूरा कंटेंट जो है रट लिया। अभी आप क्या कर रहे हो? भाग रहे मस्ती। और देखिए अंधेरा हो चुका है, रात का टाइम है। देखिए मुझे पहले आप चलो आरुष बोलिए, आरुष आरुष ही जल्दी से हेलो बोल दो। तो देखिए अभी थोड़ी सी देर बाद मस्ती करने के बाद में बच्चों को हम लोग नीचे लेकर जाएंगे। और देखिए नीचे लाइट जली छोड़ कर आए थे, क्योंकि एक लाइट हम खोल कर ही छोड़ देते हैं रात को पशुओं की वजह से। और अभी गेट भी नहीं बंद किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो चलिए बस यही है आज का छोटा सा वीडियो जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।